जन्म भूमि सुनते समय हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे क्या हमारी पत्नी से जो भी भूल जो भी कमियां हो गई है हमें माफ करें क्योंकि अब हमारा कोई हक नहीं रहा तुम्हें जाना जाना
मैं मानता हूँ कि मैं जब तुम्हें एक माँ होने के नाते उतना ही
भी दुख मुझे भी हुए। हर इंसान के पीछे सुख और दुख हमेशा लगे रहते हैं। थोड़ी सी हवा कर दो बच्चे के ऊपर, इसे होश आ जाएगा। देखो ना, लगता है कि ये आंख खोलने लगा है। जिसे बहुत से देखो क्या मिलेंगे और रात भर रुकने के लिए उनसे विनती करेंगे। आप कैसे बातें कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल इस जगह रात बिताना चाहते हैं। बहुत थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। क्या नाम हस्बैंड का मैं रखा, मैं सबको जरा बात की बोलू है ना। मेरे यहाँ जितने भी यात्री आते हैं रुकने के लिए, उनके लिए भोजन बनाना होगा।
और आपके पुत्रों को मेरी कढ़ाई की तैयारी करनी होगी। अगर मंजूर है तो मैं कर सकती हूँ आपका। जरा जरा से बचते हैं, तैयारी क्यों तो कर सकते हैं। तो जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, आप सुना, जब तुम लोग ये काम करके मुझसे गया करेंगे तो मैं घर जाकर तो तीन आदमी तो आराम से भोजन करते रहेंगे। चलो थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहन मैं तैयारी आगे करके कुछ और भी पैसा बना देगी। मुझे मंजूर है। ठीक है ठीक है। अब मैं अंदर जाऊँ। पहले बुला तो लाइए अपनी। मैं पूछता हूँ ना। Thank you.
अपनी आत्मा से गिर गया, उसे तुम्हें कौन सकता।
क्या जाती है यदि आप इतना पैसा खर्च करके लाए हैं आपने सब कुछ मेरे दिल को बर्बाद कर दिया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ निवेदन कौन सा यदि तुम लेकर ही आ गए हो मुझे तो मुझे तुम्हारा वर्ष तक अपने पति न बनाकर मुझे दैन्य बनाकर रखो बारह बरस वो गाय अंडे तो कट नहीं गए मेरा बारह बरस भैया ऐसी बातें मत करो भैया बारह वर्ष तक तुम मुझे दैन्य बनाकर रखो यदि मेरे पति के सुन में जरा भी शक्ति है जरा भी मुझे अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम है तो ठीक है बारह वर्ष तक का इंतजार रहेगा क्योंकि तुम प्यार में आनंद होता है ठीक है यदि बारह वर्ष से बहुत दिन में नहीं आए तो ध्यान रखना
ना नकाम। मेरी इसकी पति व्रता है बहन, पति व्रता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू। बाहर में आकर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी सहारे अब तुम जैसे लोग भी कोई जगह नहीं है। जाओ यहाँ से, अपने बड़ा बच्चों को उठा और पूरा यहाँ पे। कोई बात नहीं। और नहीं बनिया, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, आप कौन आ रहे हैं? पिताजी, कुछ बोल रहे हैं? तुम भी बता रहे हैं पिताजी? मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ।
नदी किनारे